Hi guys, wish you a very good evening. This is me Ayushi Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So this is 25th of October 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis, as it is 25th October. It is Sunday today, so editorial analysis is not there in today's newspaper. So we will take all the important sections that are important for examinations. Okay, so let's take it. The first news is based on Rajasthan Assembly session on new farm bill from October 31st से राजस्थान असेंबली सेशंस के तहत न्यू फार्म बिल्स को जो है डिस्कस किया जाएगा. आपको पता है ये चीज़ कि जो फार्म बिल जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, उसको काफ़ी अपोज किया जा रहा है. स्पेशली पंजाब ने तो क्लियरली मना ही कर दिया है, बेसिक तौर पे उसे मना कर दिया है दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दी फार्म बिल. ओके, so state set to follow Punjab's lead, reject central acts. और राजस्थान का भी यही सीन है, काफ़ी हद तक अपोज किया जा रहा है उसे. सरकार का ये कहना है, राजस्थान सरकार का, that we are not going to take or we are not going to follow the new farm bill. Okay, a special session of Rajasthan Assembly to bring amendment bills against the center's recent agriculture sector laws will begin here on 31st of October. Now, Assembly Speaker C P Joshi on Saturday convened the session as well as which was earlier adjourned on 24th of August after the Congress government won the confidence vote on the floor of the House. सो अल्टीमेटली वी कैन से कि राजस्थान की जो सरकार है वो बिल्कुल मूड में नहीं है इस पर्टिकुलर फार्म बिल को या इस फार्म बिल को एक्सेप्ट करने या लागू करने के. नाउ इट इज़ अर्जेंट विदाउट द फॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ प्रोपोगेशन द Ashok Gehlot government is set to introduce the bills on the lines of those in Punjab, formally rejecting the new Central Farm Acts and nullifying their applicability in the or to the states. So ultimately, what is happening basically? न्यू जो फार्म बिल्स लॉन्च किए गए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो बिल्स लॉन्च किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं फार्मर्स सेटिस्फाइड नहीं है. और फार्मर्स से ज़्यादा अपोजिशन जो है वो हमें उन सारी सरकारों में देखने को मिल रहा है जो नॉन बीजेपी है ना. जितनी भी सरकारें, चाहे अकाली दल ले लीजिए आप, मतलब जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राजस्थान सरकार ले लीजिए, मतलब कांग्रेस सरकार ले लीजिए, अल्टीमेटली दे आर अपोजिंग दिस बिल. ओके, और वहाँ हम देख सकते हैं कि 370 का रिवोक करने के बाद में अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में फिर जो है वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी हद तक चर्चित रहे हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चा में है. उनके स्टेटमेंट्स काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें अपना अगेन वही सिचुएशन चाहिए जो 370 से पहले को हटाने से पहले थी. मतलब हमें 370 वापस से चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए हमें. तो अल्टीमेटली जितने भी एक्ट्स या जो लॉज जो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं. ओके, सो अल्टीमेटली द स्टेट्स आर रिजेक्टिंग द बिल एंड पंजाब जो है ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है एंड दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू अरेंज इट एंड अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं पंजाब को, पंजाब के इस डिसीजन को. सो अल्टीमेटली लेट्स सी सेंट्रल का क्या रिएक्ट रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है इसके ऊपर और क्या रिस्पॉन्स रहता है. ठीक है, so let's take the next news. The next news is based on extra interest charge to be credited by November 5th. Scheme will be implemented even for borrowers who did not take moratorium. आपको बता देते हैं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा क्रेडिटर्स के ऊपर 5 नवंबर से. Okay, banks will credit compound interest levied on loans up to ₹2 crore between March 1 to 31st August. 31st March 1st से लगा के 31st August के बीच के जो borrowers हैं और उनके लिए जो है 5 नवंबर तक की अगर बात करें, 5 नवंबर से जिन जो कस्टमर्स ने जो है बोरो कर रखा है अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर तक का, उन लोगों के लिए जो या मतलब 2 करोड़ तक का, अप टू 2 करोड़, राइट, एंड उनके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड किया जाएगा. ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट आर द लोन्स कवर्ड, वेयर द लोन्स कवर्ड एंड व्हाट आर द बेसिक लोन्स विच विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. तो होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, Loans to micro, small and medium enterprises will be included. The conditions will be that aggregate of all outstanding loans must not exceed ₹2 crore. 2 crore से ज़्यादा लोन का अमाउंट नहीं होना चाहिए एग्रीगेट. एलिजिबल बोरोवर्स जो हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे अवेट द मॉरिटोरियम और नॉट. नाउ द लेंडर्स हैव बीन आस्क्ड टू सेट अप ग्रीवेंस redressal system for the scheme within a week. The government will reimburse banks and NBFCs after they credit loan accounts and submit claims. So ultimately the 3 weeks after informing the Supreme Court that the center would bear the additional compound interest on loans of up to ₹2 crore taken by retail borrowers as well as micro, small and medium enterprises. The government formally communicated the modalities of the scheme of lenders to or on Friday. Okay, so it is all about it. Bankers और lenders दोनों के लिए किसी काफ़ी हद तक जो cooperative banks ले लीजिए, NBFC ले लीजिए, सभी के लिए जो है क्रेडिट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऐसा जो है स्टेटमेंट दिया गया है आरबीआई द्वारा. दे हैव बीन सेट टू क्रेडिट दी और वी कैन से दैट दे हैव बीन आस्क्ड टू क्रेडिट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 6 month पीरियड बिटवीन 1st March टू 31st August. ओके, सो इट विल बी इन टू दीज लोन्स अकाउंट्स बाय November 5th. So it is all about the extra interest charged by the creditors. And now let's take the next one. It is quite important and it is very, very important for UPSC. इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साक्ष्य मिले हैं. उन साक्ष्यों के मुताबिक डेयरी प्रोडक्शन का वर्क हुआ करता था. ट्रेसेस इंडिकेट दैट मिल्क में हैव बीन बॉइल्ड बिफोर कंजप्शन. यूज़ करने से पहले कंजप्शन से पहले जो है मिल्क को बॉयल किया जाता था ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है. ओके, सो द ईयर 2020 मार्क्स 100 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. 2020 तक जाते जाते हमने 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के. और एक नई स्टडी से हमें ये पता चला है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल उस समय हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के तहत 2500 BCE में. Now, by analyzing the residues on ancient pots, researchers shows the earliest direct evidence of dairy product processing, thus throwing fresh light on the rural economy of the civilization. कहीं ना कहीं dairy products का यूज़ होना, ऐसे pots मिलना जो कि इस तरीके से जो है किए गए हैं जैसे कि प्रोसेस हो रहा है, कोई वहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग हो रही है तो उस तरीके के pots और जो मड से रिलेटेड एरिया वहाँ पे दिखाई दिया है. तो अल्टीमेटली ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पूरा एरिया नज़र आया है. तो इससे ये पता चलता है कि उस समय ये उम्मीद की जा रही है, उस समय मिल्क जो है उसे बॉयल किया जाता था बिफोर यूज़. सो समवेयर वी कैन से दैट एडवांसमेंट का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला आ रहा है. जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी अब तक वो काफ़ी नहीं थी कि अब हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है कि उस समय भी ये टेक्निक थी कि मिल्क को यूज़ करने से पहले उसे जो है बॉईल करना होता है. सो अल्टीमेटली किचन एक्सपोजर्स भी देखने को मिले हैं और उसके साथ में हमें ये भी देखने को मिला है कि काउज़ और गोट्स के मिल्क को यूज़ किया जाता था. लीव से रिलेटेड वर्क जो है वो देखने को मिला है और उसके अलावा इस तरीके का जो प्रोसीजर यूज़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी शो करता है. ही इज़ वन ऑफ द ऑथर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड बाय साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो कि पर्सन हैं जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया है. एंड अल्टीमेटली द स्टडीज वर कैरिड आउट ऑन द 15 शार्ड्स ऑफ पोट्री फ्रॉम कोटड़ा भादली. ओके, अ स्मॉल आर्कियोलॉजिकल साइट अभी गुजरात में प्रेजेंट है. ये कोटड़ा भाडली ये जो साइट है वहाँ पे बेसिकली हमको ये स्ट्रक्चर मिला है. सो अल्टीमेटली वी कैन से कि उस समय भी कैटल्स और गोट्स और शिप्स जो है उनको यूज़ किया जाता था और जो है मिल्क भी उनसे निकाला जाता था, यूज़ किया जाता था. उस मिल्क को बॉयल भी किया जाता, मतलब जो एडवांसमेंट अभी हम यूज़ में ले रहे हैं वही एडवांसमेंट आपको उस समय भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिल सकता है ना. तो इसके एविडेंस मिले हैं. नाउ लेट्स सी कि इसके ऊपर और स्टडीज हो रही है तो कितना, किस हद तक ये सही है, किस हद तक गलत है, या किस हद तक ये कहा जा सकता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ करता था. ये सब आने वाले टाइम में पता चलेगा. ठीक है, So it is all for this article. Now let's take the next analysis, next article basically. Yeah, the next news is based on Farooq to lead Gupkar Alliance. Now 7 mainstream parties of Jammu Kashmir on Saturday gave formal shape to their recent cobbled अलायंस फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर से फिर से पार्टीज अलाय हो रही है और अलाइनमेंट इस तरीके का हो रहा है कि अल्टीमेटली 7 पार्टीज एक साथ होकर के एंटी नेशनलिज्म स्ट्रेस 7 पार्टीज अमलगम. सो अल्टीमेटली दे वांट 370 आर्टिकल अगेन. दे वांट टू से कि जो स्टेटस पहले हमारा था हमें वो चाहिए. इसके लिए फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एंड अदर सीनियर लीडर्स जितने भी अवेलेबल हैं श्रीनगर के और जम्मू कश्मीर के, वो सभी एकत्रित हो गए हैं और उनकी डिमांड है कि हमें फिर से वही स्टेटस चाहिए जो पहले था. एक मीटिंग होने के बाद में अल्टीमेटली मिस्टर मुफ्ती की जो घर पे मीटिंग हुई है उसके मिस्टर अब्दुल्ला ने, जो कि 84 अर्लियर दिस वीक दे टर्न टू 84, दे ऑल मेट टुगेदर एंड सेट द अलायंस फॉर फाइटिंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म हैज़ बीन रेडी. और अब अल्टीमेटली ये लोग चाह रहे हैं कि हमें एंटी नेशनलिज्म का कोई थ्योरी नहीं है हमारी, लेकिन हमें वही स्टेटस वापस चाहिए जो कि पहले हमारे पास था. मतलब आर्टिकल 370 चाहिए, स्पेशल स्टेटस जो हमारे पास में था हमें वही स्टेटस चाहिए. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट जम्मू कश्मीर. काफ़ी प्रोपोगेंडा जो है, बीजेपीज प्रोपोगेंडा इज हेयर. आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज फॉल्स प्रोपोगेंडा बाय द बीजेपी दैट द PAGD इन एंटी नेशनलिज्म. Now I want to tell them that this is not true. There is no doubt that it is an anti-BJP, but it is not anti-national, he told reporters here. Now what he said, they said that ultimately the leaders said that we are not anti-nationalism. Basically we are doing all these because of anti-BJP thoughts and हमें जो BJP के thoughts है वो मंजूर नहीं है. मतलब हमें 370 रिवोकेशन मंजूर नहीं है, हमें 370 वापस से चाहिए और अपना जम्मू कश्मीर का जो पहले का सिनेरियो था वही फिर से चाहिए. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. 7 पार्टीज एक साथ हो गई है अपने स्टेटस को वापस से कैरी करने के लिए और बीजेपी को अपोज करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट. गुपकर अलायंस हैज़ बीन हेयर एंड उस अलायंस को जो लीड कर रहे हैं वो है फारूक अब्दुल्ला, जो रिसेंटली 84 ईयर्स के हो चुके हैं. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फोरकास्टिंग COVID-19. हाउ आर मैथमेटिकल मॉडल्स बीइंग यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायनामिक्स ऑफ सार्स COVID-19 और COVID-2 वायरस. नाउ बेसिकली अभी आपने देखा है पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही है कि COVID-19 का पीक सितंबर में जा चुका है. सेकेंड वेव दिसंबर जनवरी में हमें देखने को मिलेगी. 11 जनवरी से जो है सेकेंड वेव हमें पीक पर देखने को मिलेगी. सो अल्टीमेटली ये सारे जो डेटा है, ये फोरकास्टिंग जो हो रही है या ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स है जिस पर ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है, वो कैसे वर्क करती है, क्या है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है. What is the story behind this? The Indian National Super Model Committee constituted by the Department of Science and Technology, that is DST, and consisting of mathematicians, computer science and medical professors. Okay, now recently announced that India had passed its COVID-19 peak in September at that active infections of the SARS-CoV-2 virus would fall to a minimal level by February. The conclusion were arrived at with the help of a mathematical model. एक mathematical model को use किया गया है National Super Model नाम से और ये DST ने use किया है, Department of Science and Technology ने, और उसके तहत उन्होंने ये बताया कि COVID-19 का जो मॉडल है वो ये बताता है. रिसेंट जो नेशनल सुपर मॉडल हमने पेश किया है इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए, मैथमेटिकल साइंस को यूज़ करते हुए हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि COVID-19 की जो एक लहर है, एक वेव जो है, वो अल्टीमेटली पीक पर थी सितंबर में और अब वो धीरे धीरे लोअर डाउन होती चली जा रही है और फाइनली फैब तक जाते जाते हमें बिल्कुल नाम मात्र के केसेस देखने को मिलेंगे. इसी बीच में अगर सेकेंड वेव भी आती है तो वो भी हो सकती है, पॉसिबल है सेकेंड वेव का भी होना, लेकिन अल्टीमेटली फैब तक जाते जाते मिनिमम लेवल पे केसेस हो जाएंगे, है ना. अब ये रीज़न क्यों दिया गया है, ये डेटा कैसे पेश किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. द DST सेड इन मे दैट इट हैड कन्वेंड अ ग्रुप टू ट्रैक द इवोल्यूशन ऑफ द पेंडेमिक। डीएसटी ने मई में ये अनाउंस कर दिया था कि हमने एक ग्रुप जो है बनाया है जो कि पेंडेमिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ट्रेस करेगा और उसके बारे में जो बेस्ट सुपर मॉडल पेश करते हुए हम एग्रीगेट जो है जो भी अच्छा होगा सही होगा उसको एक जो है मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर मानते हुए कोविड-19 का कंक्लूजन मानेंगे। ओके, उसी के चलते रिसेंटली जो है डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए इन्फेक्शंस और डेथ्स के डेटास को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ केसेस पर डे इंक्रीज़ होते और डिक्रीज़ होते हुए जो हैं उन डेटास को यूज़ करते हुए अल्टीमेटली मॉडलर्स ने ट्राई किया है कि हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कब इन्फेक्शन जो है पीक पर होगा और कब इन्फेक्शन जो है वो अपनी लोअर जो है उसके ऊपर होगा, लोअर लेवल पे होगा। तो अल्टीमेटली दे गॉट दैट दिस टाइम, अब जो टाइम है उसके तहत कोविड-19 के केसेस कम होने स्टार्ट हो चुके हैं और फेब तक जाते जाते बिल्कुल मिनिमल केसेस होंगे और सितंबर में ये अपना पीक क्रॉस कर चुका है। ओके, ये जो डेटा है ये किस बेसिस पर दिया गया है, कैसे प्रेडिक्शंस लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है एंड यू हैव टू गो थ्रू इट योरसेल्फ बिकॉज समवेयर ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन देता है कि आपको किस तरीके से कोविड-19 को देखना है और नेशनल सुपर मॉडल क्या है कोविड-19 से रिलेटेड, ये चीज़ें भी आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। मैथमेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड है, इसका नाम है नेशनल सुपर मॉडल, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को यूज़ किया गया है, मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ किया गया है, इन्फेक्शंस और डेथ के केसेस को, रेट्स को, डेटा को, इन सभी को कैलकुलेट करते हुए अल्टीमेटली इस कंक्लूजन को निकाला गया है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अच्छा ये किसने यूज़ किया और किसने इसको जो किस इस तरीके की कंसिस्टेंसी निकाली है, तो वो बेसिकली डीएसटी ने निकाली है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स या फिर मैथमेटिशियंस, इन सभी ने मिल करके रिसेंटली ये डेटा हमें दिया है। सो अल्टीमेटली लेट्स सी कि कोविड-19 का पीक क्रॉस हो चुका है, उनका ये जो कहना है। लेकिन हाँ, ये भी बशर्ते उन्होंने ये भी बताया, मैं आपको बता देती हूँ कि उनका ये भी कहना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमने फेस्टिव सीज़न को इंक्लूड नहीं किया है। फेस्टिव स्पाइक जो देखे जाएंगे उसे हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। यदि फेस्टिवल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है और सिचुएशन जो है ऑटोमेटिकली पब्लिक पॉपुलेशन अपने लेवल पे कंट्रोल कर लेती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे कंट्रोल कर लेती है, तो फेस्टिव स्पाइक अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन है कि हम सितंबर में पीक क्रॉस कर चुके हैं और फेब में जाते जाते मिनिमम केसेस होंगे। अब आने वाले सीजन्स जो है, फेस्टिवल का जो सीज़न है पूरी तरीके से आगे, दीपावली एंड अदर जो फर्दर सीजन्स है जैसे कि आज दशहरा है, तो इस तरीके के सीजन्स की वजह से जो स्पाइक देखने को मिलता है वो नहीं है। तो हम, क्या ये डेटा सही है, क्या ये कैलकुलेशन सही है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है, so it is all about it। the next article is based on chronic battle with malnutrition। आपको ये बात पता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 94th पोजीशन कैरी की है और अल्टीमेटली हमने बहुत ही वर्स्ट लेवल पे हमारा सीन क्रिएट हो रखा है हंगर लेवल पे, है ना। तो क्रॉनिक बैटल जो है वो माल न्यूट्रिशन से है। what explains India's poor rank, हम जो पुअर कैटेगरी में पुअर रैंक में आ रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, what are the solutions for it, what are the reasons for it and what is the basic structure of global hunger index and what will be the बेसिक डेटा ऑफ इट एंड व्हाट विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर हमें 94th पोजीशन मिली है, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे भी लो है। द GHI showed that nearly 690 million people of the world are अंडर नरिश्ड, मतलब उनको नरिशमेंट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। 144 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम से, क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर और अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। 47 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो वेस्टिंग और जो है वेस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, सफ़र फ्रॉम वेस्टिंग। अदर देन दिस दे आर ऑल्सो अ साइन ऑफ अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। Now the number of young children in India who are very short and thin, reflecting severe undernutrition, put its alongside the poorest African nation। कहीं ना कहीं जैसे मैं भी अगर मेरी बात करूं तो मैंने इस पूरे डेटा को जब पढ़ा, मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जो कि आज मैं इंडिविजुअली आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी, पर्सनली वो वीडियो शेयर करूंगी मैं आपके साथ में, हमारे लक्ष्य UPSC CSC के प्रोग्राम के तहत मैं आपके साथ में जो वीडियो आज का शेयर करूँगी वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर बेस्ड है। कब से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से, किस तरीके से इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करता आया है और इसका मोटिव क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अल्टीमेटली जो डेटा मैं बहुत पहले से देखती चली आ रही हूँ कि अफ्रीका काफ़ी अपने आप को जो है उस लिस्ट में सबसे लोअर कैटेगरी में जो है अफ्रीका पाया जाता है, जो पुअर कैटेगरी में आता है वो अफ्रीका आता है। तो अल्टीमेटली जब मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का नाम देखा, इतना मतलब इस कैटेगरी पर पुअर कंडीशन के तौर पे हमने जब नाम देखा बेसिकली इंडिया का, और जब ये पिक्चर इस तरीके की पिक्चर देखी तो ये शो करता है कि इंडिया अपने आप को या अपनी छवि को कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से रिलेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा जो इस आर्टिकल में है वो कहीं ना कहीं आपको साउथ अफ्रीका की याद दिलाएगा, जो माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक बैटल्स और इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हंगर की वजह से क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अफ्रीका से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को याद दिलाएगी, जो कि आज तक न्यूज़ में रहा है। अब अल्टीमेटली ये बारी है इंडिया की न्यूज़ में रहने की। सो इसका क्या रीज़न है, इंडिया का पुअर होने का, पुअर रैंक का क्या रीज़न है और इसका सल्यूशन क्या है आगे के लिए, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। बिकॉज द आर्टिकल इज़ दैट मच लॉन्ग कि हम उसे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते थे, तो मैंने इसको शॉर्ट लेवल पे लिया है और शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। Experts point out that food insecurity, poor sanitation, inadequate housing, limited access of healthcare, all results are maternal distress. Now that leads to the kind of slow chronic wasting seen in Indian children. Indian children's के अंदर जो chronic wasting scene है या फिर slow down जो wasting scene है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इनका रीज़न जो है वो इनसिक्योरिटी, पुअर सैनिटेशन और फूड इनसिक्योरिटी, बेसिकली पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट हाउसिंग, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, ये सारी बेसिक इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और इंडिया में इतनी इस लेवल पे हंगर देखने को मिला है। सो अल्टीमेटली हमारा इंडिया का बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आना अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस इंडेक्स के अंदर इस पुअर कैटेगरी, उस पुअर रैंक को होल्ड करना बहुत ही चिंताजनक विषय है इंडिया के लिए, इंडिया की सरकार के लिए और इंडिया के उन सभी स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के लिए जो इंडिया के हंगर पे या फूड बेसिकली या माल न्यूट्रिशन पर वर्क करते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। ये सारा आर्टिकल हमने आज जितने भी आर्टिकल्स देखे हैं काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है फार्म बिल तो आपको पता ही है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। और अगेन 370 को लेकर के जो इश्यूज़, आर्टिकल 370 से रिलेटेड जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वॉट विल बी द रिजल्ट एंड वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन कश्मीर। सो इट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, द नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था कि ये जो फोरकास्टिंग अभी हो रही है कि पीक पर आए हैं हम और निकल चुके हैं पीक की कैटेगरी को कोविड-19 की, और आने वाले टाइम में फैब में क्या कंडीशन होने, ये सारी जो चीज़ें ये किसे शो करती है, किसे इंडिकेट करती है और क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों का, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। एंड लास्ट आर्टिकल जो है हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 94th रैंक होल्ड करना और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश की जनता पर और किस इम्पैक्ट के कारण हमने ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है या रैंक है वो होल्ड की है, माल न्यूट्रिशन का क्या रोल है, क्रॉनिक बैटल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और भी अगर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उसे डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो वीडियो है वो आज इवनिंग तक, अदरवाइज कल मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल गेट इट। एंड हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर हमने एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं हम आपके साथ में, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी, उसके ऊपर आपको ये वीडियोस जो है शॉर्ट वीडियोस इन कंसेप्ट ऑन कंसेप्ट्स बेसिकली एंड कंसेप्चुअल बेसिस पर इस तरीके के शॉर्ट वीडियोस जो फॉर्म किए जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपको मैक्सिमम लेवल पे नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक डेली न्यूज़पेपर अवेलेबल हो सके, डेली न्यूज़ एनालिसिस अवेलेबल हो सके। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हम न्यूज़पेपर एनालिसिस को आपके सामने डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट सेक्शंस में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। डिफरेंट सेक्शन मतलब एक ही वीडियो के अंदर डिफरेंट सेक्शंस में आपको न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे, मतलब इकोनॉमी के अलग, पॉलिटिकल के अलग, हिस्ट्री से रिलेटेड अलग और साइंस टेक से रिलेटेड अलग, और इसके अलावा फर्दर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको डिफरेंट मिसलेनियस पार्ट में लेंगे और एडिटोरियल सेक्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यू विल गेट इट बाय मंडे। कल से मंडे ऑनवर्ड्स जो है आपको डेली बेसिस पे इस तरीके का एनालिसिस मिलेगा और हमारी इसी एनालिसिस की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव IAS एड्यू मंडला पर अवेलेबल हो जाएगी। सो यू कैन गो थ्रू इट एंड टेक इट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।